अरे उधर से आवाज आ रहा है, उधर कैमरा लगाइए ना। चलिए तो आइए आइए आइए, पीछे पीछे आइए। अरे बड़ा दुर्लभ जगह है यार। हाँ देखिए, कैमरा कैमरा पे चोट ना लगे, आप आसान से आइए। क्या बात है जी, आप लोग क्या कर रहे हैं? ये देखिए अंदर घुसे हुए हैं, बताइए अंदर घुसे हुए हैं। अरे बड़ी गर्मी बात भैया। शंकर जी से अगर कैमरा लगाइए। नमस्कार जी, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार सर, बोलिए क्या बात है? कहने से जय जवान जय किसान, जय किसान है ना, तो किसान बन गई नी। यो मोदी जी कहलन की का डीजल के दाम कम हुआ कांग्रेस के राज में, आप भी सुने होंगे। हाँ, सुने थे भाई एवं बहनों। अच्छा, क्या मैं उन्हीं के भाषा में आपको कुछ बोलना कोशिश करूंगा? स्वागत है स्वागत है। कहते थे ऐसे ही सुनाई देता था, हम भी टीवी तो बहुत देख लेते। अच्छा अच्छा, भाइयों एवं बहनों, तेल के दाम कम हुआ। अच्छा, 60 से 65 हुआ, तब 65 हुआ कि नहीं हुआ? क्या मोदी जी सूते हुए हैं? अच्छा अच्छा, आप क्या कहते हैं? भाइयों एवं बहनों, 80 से 90 हुआ। अरे 100 कर देना तो बेचैनी धरे वाला। क्या हो भैया, कही बो बेचैनी धर ली? ओ भाई, खियाओ खाए खातिर तो आयल बानी। अरे क्या करी धले एने हो? अरे एने गेहूं मुंह में घुमाते रही, पानी मोड़ले रही। आओ बड़ी लील गाय हो गइल बाड़ो सन तनी माने। एगो तो बड़का घुंसावल बारे मदे। अरे मद खेदलो ने ना हो? अरे मद हम दु कटा में बूट रोप ले लिबा। हां हां, ओकरे देखे आई लिबा, फसल बर्बाद कर दे। एकदम बाईचो जोत देले है थी साके हो। हमरा तो समझे में ना आवी थी बाईचो की करी है। का कर, हमनी किसान के बड़ा गिंजन हो भाई। गिंजन तो हइए हो ना, धान के रेटे ना हवा, गेहूं के रेटे ना हवा, फैक्स में दे लेवत लड़ा भी पैसे ना आइल हवा। हैं आ खाद चाही भाई जद के पूरा। हां अइनी देखो, ई कर नामे बुद्धि बरदक चूर ओने धूप लगी थलो तो भैया इने हलियो बनावी थो ओने बाजी आ गेल हलन। अच्छा, कने है त हम लुका के ने खैनी खाए लगी जे बाजी से छोड़बे ना, कली बाज छोड़ दिया। हां देख लियो, अब भाई से पूछ लो तो। हां हां हां, तनी देख ले। हां मैं के चलते हम खैनी छोड़ दी भैया ना। आए हो भैया, तेल और डीजल के दाम कितना बढ़ गए हो? पटबो ना कैल रे मदे, पटवावे वाला कही थे कि इतना पैसा दे। बताओ तो 90 रुपए लीटर डीजल हो गए ना हो? अरे मदे हमरा तो समझ में ना आवी थे भाई। मोदी जी कहते थे का भाइयों एवं बहनों? हाँ आइए आइए। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है बिहार संगीत बुलेटिन में आप सभी का, जो कि आज एक गांव में, मतलब बोले तो एक फील्ड है, और वहीं पे हम पहुँचे हुए हैं, और एक बगीचा है, तो देखते हैं वहाँ पे। शायद हमें पता चला है कि 2-4 लोग बैठे होंगे और हमेशा बैठे रहते हैं, रहा है उसके बारे में आप लोग को गांव के कुछ लोग से आपको रूबरू कराते हैं। तो आज हम बगीचा में चले आए हैं और बहुत मज़ा आएगा आप लोग को देखकर। तो आइए, कैमरामैन शंकर जी से कहेंगे कि चलिए हमारे साथ, आप भी आ जाइए धीरे धीरे। और देखिए, बहुत प्यारा मंदिर है और आप भी देख सकते हैं, ये शंकर भगवान का मंदिर है और काफ़ी मतलब साफ सुथरा जगह है। जगह दिखा दीजिए शंकर जी। हम कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि थोड़ा इधर का मतलब लोकेशन हमारे दर्शकों को दिखाइए। और देखिए यहाँ पे एक बहुत ही पुराना, ये देखिए अजूबा चीज़ है जो कि आजकल शहर में नहीं दिखता है, जो कि यहाँ पे मतलब हम लोग को मिला। और देखिए चापाकल भी है यहाँ पे गड़ा हुआ है, मतलब कोई प्यासे हैं तो पानी पीने के लिए बहुत अच्छा सुविधा है। और बगीचा कुछ अच्छा लग रहा है हमें। और चलिए आप लोग को देखते हैं, कोई है होंगे तो बातचीत करते हैं उनसे। अरे उधर से आवाज़ आ रहा है, उधर कैमरा लगाइए ना। चलिए तो आइए आइए आइए, पीछे पीछे आइए। अरे बड़ा दुर्लभ जगह है यार। हाँ देखिए, कैमरा कैमरा पे चोट ना लगे, आप आसान से आइए। क्या बात
ये देखिए अंदर घुसे हुए हैं, बताइए अंदर घुसे हुए हैं। अरे बड़ी गर्मी बात भैया। शंकर जी से अगर कैमरा लगाइए। नमस्कार जी, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार सर, बोलिए क्या बात है, कने से नहीं आ गए? आपका शुभ नाम क्या हुआ जी? मेरा नाम शैलेश कुमार, रंगीलार लोग कहते हैं जी। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका भैया? सुनील पासवान। अच्छा सुनील पासवान, तो हम आज मन किया कि मतलब गांव तरफ चलते हैं। अच्छा, है ना? हाँ सर, हाँ सर। तो यहाँ पर देखें, बहुत अच्छा लगा, बगीचा बहुत अच्छा है जी जी, और शंकर भगवान का मंदिर भी है, महादेव का दिन। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और आपका, आप लोग का मतलब गाना गाते हुए आवाज सुनाई दिया, तो हम सोचे कि चलिए मिल लेते हैं जी, है सर, ना? जी। तो और सब बताइए, मतलब आप लोग किसान हैं जी? अच्छा किसान है, खेती करते हैं ना? हाँ सर, खेती करते हैं। अच्छा, तो बताइए कि मतलब खेती करते हैं तो आप लोग को मतलब कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ये बात बताइए कि परेशानी किस चीज में नहीं है? आज तो जितना हम लोग किसान के ऊपर इस समय अत्याचार हो रहा है आप देख ही रहे हैं, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। क्या अत्याचार हो रहा है, कुछ कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। जरूर, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत सारा चीज बताना चाहता हूँ। बिहार संगीत बुलेटिन के चैनल के माध्यम से जी जी, मैं पूरे दुनिया का जो मेरे देश के किसान भाई चाहे और लोग जो हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि इस कठिन समस्या जो सबसे ज्यादा है वो किसान का है। अभी देखिए सर, हम तो कुछ ना कहब, जाके देख लो यहाँ जितना हमारे गेहूं पटल है, को ठोक ना पटल है, काहे ना पटल है। अच्छा अच्छा, पानी का प्रॉब्लम है? पानी के प्रॉब्लम है। अच्छा, पानी के प्रॉब्लम है, ओकर बाद लील गाय वगैरह थी, तो आपदा है, कुछ भी हो सकता है, मगर सरकार इस पे निकम्मी है, कुछ भी नहीं कर रही है। अच्छा चलिए, आपने सरकार का नाम लिया तो आपसे कुछ जानना चाहते हैं जी, जी। सरकार के बारे में खनिक भैया, क्योंकि आप ही ने जिक्र किया है सरकार का जी। ऐसे तो हम चाह नहीं रहे थे सरकार के बारे में कुछ बोलने के लिए, लेकिन आपने सरकार का नाम लिया है तो हमारे दर्शकों को कुछ बता दीजिए कि मतलब क्या अभी जी हम जरूर बताएं रुआ के, काहे कि हम तो उतना पढ़ल लिखल भी ना है जैसे देहात। नहीं, आप तो बात से पढ़े लिखे लगते हैं, ऐसा नहीं है। अरे नावा में 9 साल 9 बार फेल हो रही है ना, तो आज गांव में आए हैं आप लोग से मिलकर, बहुत खुशी हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी जो हम लोग के दुख दर्द बांटने के लिए आए। तो शहर में घूमते चलते हैं, लेकिन आज मन किया कि गांव चलते हैं ना। तो हमारा चैनल है बिहार संगीत बुलेटिन जी जी, जो कि संगीत से जुड़ा हुआ मतलब किसी प्रकार का भी जो व्यक्ति रहते हैं या फिर जो भी है, उस माध्यम से हम सभी का इंटरव्यू लेते हैं। तो आप लोग का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए शुरू हो जाइए जी। जैसे हमारे मोदी साहब कहते थे, जब कांग्रेस की राज था तो मोदी साहब तो हम लोग बहुत देखे में 6 फीट बानी ना, दौगे में आजो कहता नहीं कोई ना हमरा से आगे निकली। अच्छा अच्छा, ठीक है, पढ़ू में ना कोई आगे निकली, तो का बात तो घूस दे के बात, वो तो चलो कुछ बात के बात, बाकी ना रहे ना देनी, बाप दादा के खेत बाबू कर के खा ले। ऐसो कहल गल बा कि जय जवान जय किसान, जय किसान है ना, तो किसान बन गई नी। इहो मोदी जी कहलन कि का डीजल के दाम कम हुआ कांग्रेस के राज में, आप भी सुने होंगे। हाँ, सुने थे, सुने थे। भाई हो हम बहनो। अच्छा, क्या मैं उन्हीं के भाषा में आपको कुछ बोलना कोशिश करूंगा? स्वागत है, स्वागत है। कहते थे ऐसे ही सुनाई देता था, हम भी टीवी तो बहुत देख लेते। अच्छा अच्छा, भाई हो हम बहनो, तेल के दाम कम हुआ, 60 से 65 हुआ, तो 65 हुआ कि नहीं हुआ? क्या मोदी जी सूते हुए हैं? अच्छा अच्छा, आप क्या कहते हैं भाई और बहनों, 80 से 90 हुआ? अरे 100 कर देना, क्या गलती? अभी भी 95 रुपए है, ये है तो 100 रुपए हो जाएगा, कुछ पेट्रोल पंप वाला मार ले वाला सुन भैया, तो 100 हो ही गया, 100 तो हो गया, तो हमनी गरीब के तो यही एक बार लगा के टांग 10, यही हम कहब राउट चैनल के माध्यम से। नहीं नहीं, देखिए आप ठीक है जो भी कहें, लेकिन देखिए एक एक चीज और किए हैं मोदी जी, गैस सबको फ्री में दे दिए, और बहुत अच्छा किया हमारे ख्याल से, बहुत हम उनका जवाब दे। अच्छा अच्छा, जवाब दीजिए। पहले भाई हमारे मलकिनी चूल्हा देख ली हूँ, चूल्हा बा चूल्हा में है लकड़ी ले जाकर जल देवत रही, तो जला के काम कर लेवत रही, अब इतना आदत खराब हो गई भैया की कहती है कि गैस भराव। आराम भी तो है ना? आराम तो है ही, मगर अच्छा अच्छा, 600 से 900 हाँ, आज तो महंगाई हो गया है।
का कोरोना महंगाई हो गया है। कोरोना में हम लोग किसान के साथ साथ जो है ना बहुत ज्यादा ना इंसाफी हम ही लोग के साथ हो रहा है। मैं आरू कहती है कि अरे मुझौसा ऐसे नहीं कहती, ऐसे कहती है ए जी सुनी था हूँ। अरे का कही थे गे? आप तो बहुत अच्छा बोल लेते हैं। हम बोल लेते हैं सर। आप शायद लगते हैं कलाकार भी हैं। कलाकार हैं, इसीलिए आपका संगीत के चैनल देखे तो हम थोड़ा सोचे कि तो हमारे दर्शकों को कुछ आपको अगर याद है दो दो, दो चार लाइन तो सुना सकते हैं। एकदम 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 हम बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से हम दर्शक लोग को हमारी बीबी कैसे कहती है। अच्छा सुन लीजिए। क्या सुनील भैया बता दी हिन्नू? हाँ बताइए ताकि आज सुनी था जी। आए का कही थे गैसवा खत्म हो गया ले आऊं कि ना ले अब? अरे टे रही के हम का हट से लाएंगे रे। बाजी से पैसा मांगे गए ललित कहे था लल बाजी हमार और बाजी को बोली देबो आगे तो कहाँ से कही दही कि तोरा हम गैस भरा दियो है मोदी। पहले तो गैस डल तू फ्री में कि आदत लग जाऊ, अब तो 6 से 9 हो गए, अब तो का खड़े गए बताओ। तोर मौगी की तो का कही था मैं इतना ही कहूंगा। आप इतना ही से लोग समझ लेंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। विशेष मैं आपको टाइम लेना नहीं चाहता। तो चलिए अब आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं कुछ। हम क्या कहना चाहेंगे? नहीं चलिए ठीक है। तो ये थे हमारे शैलेश रंगीला जी और भैया सुनील जी जो कि आप लोग को रूबरू कराएं और बहुत अच्छा लगा इन लोग से मिलकर। दूसरा बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर और बहुत अच्छे हैं और आप लोग को बहुत अच्छा से एंटरटेन किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बिहार संगीत बुलेटिन के जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी से आग्रह करता हूँ कि इसी तरह का इंटरव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि अगला वीडियो आप लोग कैसा देखना चाहते हैं, उसी ढंग का हम लोग काम करेंगे, है ना जी सर। तो तब तक के लिए जय जवान जय किसान।